गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आज देश को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। इस सरकार ने अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने का काम किया। आज भारत की महंगाई इस वित्तीय वर्ष में 30 सालों में सर्वाधिक थी सर, 30-year high पे, जहां भारत की थोक महंगाई 12-15% के आसपास घूम रही है और खुदरा महंगाई 6-8% के आसपास घूम रही है। वादा किया था सर आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। और सर बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज देश को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत। 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कि माननीय वित्त मंत्री जी, आटा चावल दाल दूध दही पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सब के भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा दाल चावल दूध दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की थालीनॉमिक्स की। कि इस सरकार ने अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने का काम किया। पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की आर्थिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। भारत की पर कैपिटा इनकम वित्तीय वर्ष 2021 में सर 9,160 रुपए से गिर गई, यानी कि हर व्यक्ति की औसतन कमाई 9,160 रुपए गिराने का काम किया, यानी कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, यह सरकार ने करके हम सबको दिया है सर। नम्मदागली।